महाराजगंज के ब्रजमनगंज थाने पर जनता कर रही सवाल, आखिर किसके इशारे पर ब्रजमनगंज पुलिस बबलू के हत्यारों को नहीं कर रही गिरफ्तार। आपको बताते चलें, ब्रजमनगंज ब्लॉक के सौराहा ग्राम सभा के टोला पीपरी में बबलू भारती की मौत का मामला उलझता जा रहा है। शव के पोस्टमार्टम होने के लगभग 24 घंटे बाद भी परिजनों ने शव का दाह संस्कार नहीं किया है। परिजनों की मांग है कि बबलू की हत्या की गई है, उसके हत्यारों को पुलिस बचा रही है। जब तक स्थानीय थाना अध्यक्ष व पुलिस कर्मियों द्वारा अभियुक्तों को पकड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक परिजन शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। पहले भी हत्या की आशंका जताते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, परंतु पुलिस द्वारा दुर्घटना दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार पैसों को लेन देन कर मामलों को हल करने के लिए परिजनों पर दबाव बना रही है। वहीं सभी प्रमुख दल के नेता घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना देते हुए पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस हत्यारों को बचाने में लगी है। यदि शीघ्र पुलिस नहीं करती है कोई कार्रवाई तो हम करेंगे शव को लेकर बड़ा आंदोलन। क्षेत्र की जनता भी हो रही शामिल। हमारे लोग की मांग यही है कि उन लोग को गिरफ्तारी चाहिए। आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिनके जिनकी गिरफ्तारी के लिए आप लोग अड़े हुए हैं? वही जो कांड किए थे, दिलीप गुप्ता, राजेश अधिवादी। पुलिस तो कह रही है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई चार दिन से हम बैठे हैं लेकर। कहना चाहती हूँ कि आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने जब एसओ साहब से बात करी तो मैंने वहाँ इनके परिजनों को भेजा है, तो वहाँ पे कचहरी में तहसील में कोई था भी नहीं थाने में। तो मेरा ये कहना है कि अगर यदि इनकी कार्रवाई नहीं होती है, अगर वो फरार हैं दो लोग, एक लोगों को इन्होंने कर गिरफ्तार किया है, अगर वो लोग दो लोग फरार हैं तो उनके परिजनों को आकर के बुलाइए। मुझे प्रशासन को सिखाने की जरूरत नहीं कि कैसे काम करना है, ये लोग बखूबी जानते हैं। और दूसरा, यदि अगर ये लोग नहीं न्याय देंगे तो मुझे अगर अभी अपना परिंदा ही इन्होंने रोड का जाम करने का काम किया है, यदि अगर मुझे जिला अभी अपने बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग साथ मिल करके वहाँ जिला जाम करने का भी काम करने का काम करूँगी। सब लोग अपना राशन लेकर के चलेंगे, वहाँ मैं साथ में खड़ी हूँ। सब परिजनों ने आरोप लगाया है कि वो जो एक्सीडेंट नहीं, हत्या है, तो इनकी जो तहरीर थी उसको विवेचन सम्मिलित कर लिया गया है। परिजनों की मांग पर विवेचना SHO पुरंदरपुर को ट्रांसफ़र कर दी गई है और इसमें निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, जेल भेजा जाएगा। सर, परिजनों द्वारा आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा हत्या किया गया है और इसमें परिजनों ने जो नई तहरीर दी है हत्या की, वो तहरीर को विवेचना में समाहित कर दिया। विवेचना जो है तत्काल कल परिजनों की मांग पर ट्रांसफ़र कर दी गई है और विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर उसमें हत्या है तो हत्या के अंतर्गत गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।